तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज एक बहुत ही खास वीडियो है। तो आप सभी को जैसे पता नहीं होगा, मैं फार्मासिस्ट अभी अपीयर कर रहा हूं, तो उस हिसाब से मैंने एक स्टेथोस्कोप एंड एक थर्मोमीटर मंगवाया है। तो उसका अनबॉक्सिंग करेंगे एंड आपको दिखाएंगे वो कैसा आया है एंड इस्तेमाल कैसे करना है वो भी थोड़ा सा आपको दिखा देंगे। बहुत ईजी है, तो अगर आप भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं ईजीली, ज्यादा प्राइस का नहीं आता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ये बॉक्स मेरे पास आ चुका है, देख सकते हैं ये फ्लिपकार्ट की तरफ से आया है। 474 रुपए का मुझे पड़ा है टोटल बिल इसका। अभी इसका अनबॉक्स करते हैं जल्दी से। वैसे और भी हाई रेंज के आते हैं, तो ये देखो ऐसे पैक करके दिया है, पूरा खटखटा रहा है एंड बाकी और कुछ नहीं है। ये बाहर से दिया है थर्मोमीटर, डिजिटल है शायद, मुझे नहीं पता भाई ये थर्मोमीटर कैसे इस्तेमाल करते हैं। बट ये देखिए पहले से ये क्रैक्ट आया है, ठीक है देख लो भाई, थोड़ा क्रैक है। फ्लिपकार्ट वाले कभी नहीं सुधरेंगे। बैटरी में चलता है शायद, तो इसका तो बैटरी डालना पड़ेगा ना, फिर खत्म। अच्छा बैटरी डालने का भी यहाँ पे जगह है गाइस, तो हम दिखाते हैं धीरे धीरे करके। पहले हम स्टेथोस्कोप देखेंगे, देन ये थर्मोमीटर दिखाएंगे। बढ़िया है, देखने में काफी अच्छा है, हैंडी है। हम इसको अभी रख देते हैं। थर्मोमीटर घर में एक थर्मोमीटर आपको रखना चाहिए, बच्चे बच्चे होंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। खुद से डॉक्टरी करने से अच्छा आप थर्मोमीटर यूज करके देखिए बुखार आया है कि नहीं है। तो अभी हम इसको अनबॉक्स करते हैं, ठीक है। तो दिखने में इसका लुक कुछ ऐसा दिखता है, थोड़ा एक्साइटेड हूँ कि अगर खराब आ गया तो भाई फिर से रिटर्न करना पड़ेगा मुझे। वैसे मैंने एक बार चलाया है इसको कॉलेज में, तो ये ऐसे ओपन होता है। पैकेजिंग थोड़ा अच्छा है, देख सकते हैं उतना। और दो ईयरबड्स दिए हैं एक्स्ट्रा, ताकि अगर ये खराब हो जाए तो हम अलग से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ओवरऑल ये आगे आप देख सकते हैं, ये जो ट्यूब है ये काफी सॉफ्ट है, उस हिसाब से इसका क्वालिटी हम जज कर सकते हैं कि काफी अच्छा है, प्रीमियम है। और इसमें शायद नाम लिख सकते हो अपना, ताकि ये खो ना जाए किसी के साथ। और ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा ढक के ही रखना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ सील पैक किया हुआ रहता है। कॉलेज में भी ऐसा था, सब ऐसे ही पैकेज था, रबड़ देके ऐसे ही बांधा हुआ था। तो हम इसे खोल लेते हैं जल्दी से, इससे ना हो रहा है, बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा है। इसको रिटर्न करना पड़ेगा, पैसा बर्बाद। अब देखो यार, तीन एक हफ्ते से वेट कर रहा हूँ आने का, जब आया तो ये हाल है, कान में दर्द भी होने लगा है यार इतने देर। चलो यार कोई नहीं, ऐसे होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स आपको देख लेना चाहिए, अगर खराब आता है ऑब्वियसली रिटर्न कर देना चाहिए। तो बैड लक। सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो जैसा कि मैंने अभी देखा गाइस, तो यहाँ पे एक पॉलिथीन यहाँ पे घुस चुका था, तो उसको मैंने दोस्तों मैंने जोर से इसे खोला, खोलने के बाद वो निकल गया। देन इसे थोड़ा हवा मारा, ये पाइप तो ठीक है वैसे भी। तो देन उसके बाद जो मैंने इसको अच्छे से टाइट किया, तो अभी जो चला रहा हूँ तो एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। अभी ये ऑफ है, तो इसे इधर मोड़ देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ऑन होते ही थोड़ा सा टच करोगे, यहाँ बहुत ज्यादा साउंड आता है। तो अभी मैं इस्तेमाल करके देखा तो सही है, काम कर रहा है, दैट्स ऑल राइट। तो मुझे रिटर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस चीज की जरूरत पड़ता है, इस फिग्मा मैनोमीटर जो आपका प्रेशर नापने वाला मशीन होता है ना, उसे चलाने के लिए इसका जरूरत पड़ता है। तो हम अभी तो वो मंगवाएंगे नहीं, क्योंकि इसमें खर्चा ज्यादा हो गया। तो बाद में हम जब मंगवाएंगे तो दोनों को एक साथ इस्तेमाल करेंगे एंड ये आप आपके घर पे भी रख सकते हैं। आपको कुछ पता तो नहीं चलेगा इससे, लेकिन फिर भी मैंने मंगवाया जस्ट फॉर फॉर्मेलिटीज। तो गाइस स्टेथोस्कोप जो है आपको, तो वो चला के दिखा दिया, वो सही है, अच्छा काम कर रहा है। तो साथ ही में मुझे वो थर्मोमीटर मिला था, ये वाला, ये डिजिटल थर्मोमीटर है। तो आपने तो इसको दिखाया था पहले, ये टूटा हुआ है, तो ठीक है चल जाता है कभी कभी, क्या कर सकते हैं। कवर टूटा हुआ है, अगर ये प्रोडक्ट टूटा हुआ रहता तो हम इसको एक्सचेंज करते हैं। तो देखो ये ऐसा नॉर्मल होता है डिजिटल, तो इससे जो है ये वाला पोर्शन आपको टांग के नीचे भी रख के कर सकते हैं, या फिर आर्मपिट जो है आपका यहाँ पे भी आप इसे डाल के। तो चेक करने का स्टेप जो है बहुत ही सिंपल है, आपको जस्ट ये जो बटन दिख रहा है ना, इसको एक बार प्रेस कर देना है, एक बीप साउंड करेगा। देन उसके बाद जो है आपको टंग के नीचे डालना है तो डाल दीजिएगा, या फिर आपका जो आर्मपिट है आर्मपिट में आपको थोड़ा रख देना है। देन आपको थोड़ी देर होल्ड करना है। जो टेम्परेचर है मैं हाथ से आपको थोड़ा अभी दिखा देता हूँ, हालांकि ये सही तरीका नहीं है। हाथ से जो है टेम्परेचर देखिएगा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते
ये खुद ब खुद एफ डिग्री एफ आपको दिखेगा, ये ब्लिंक करता रहेगा। तो एट द मैक्सिमम पॉइंट में जाकर जब और बढ़ेगा नहीं है तब जो है डिग्री एफ रुक जाएगा। डिग्री एफ रुक जाने के बाद आपको एक बीप साउंड मिलेगा, मतलब आप समझ जाइएगा कि वही आपका टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर। तो फिलहाल मैं अभी बंद कर दे रहा हूँ, तो इजीली आप कर सकते हैं। मैं आपको चेकअप करके और नहीं दिखाया, हमने देखा घर में सभी लोगों को चेकअप करा के सभी का नॉर्मल टेम्परेचर है, ये काफी बढ़िया चीज है। एंड अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं एंड उसके बाद जो है आप इसको अच्छे से ड्राई क्लीन करवा लीजिए, थोड़ा ड्राई क्लीन करवाइए, भिगाइएगा नहीं, सैनिटाइजर से आप इसको एकदम पोंछने के बाद इसे भर के रख देना है, दैट्स ऑल। तो अभी हम सैनिटाइज करके रख देंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। बेसिक कुछ नहीं यार, जस्ट यूं ही आप लोगों के लिए बनाया। अगर आप लोग भी कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं तो ऑब्वियसली वीडियो करके छोड़ा करिए यूट्यूब में, इससे जो है बहुत से लोगों का हेल्प होता है। तो दैट्स ऑल, मैं आप सभी का हेल्प करना चाहता हूँ एंड आप लोगों को भी दिखाना चाहता हूँ, आप चाहे तो ये मंगवा सकते हैं। एंड घर में एक थर्मोमीटर रहना बहुत जरूरी होता है हर किसी के, छोटे मोटे तो बुखार बुखार आते ही रहते हैं लोगों को, बट फिलहाल के टाइम पे लोग ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। अगर थोड़ा सा भी तबीयत खराब लगता है दवाई ले लेता है, ये भी ठीक है। काफी दिनों से मेरा मतलब ख्वाहिश था, मैंने कभी थर्मोमीटर जिंदगी में नहीं देखा था, देखा था मतलब बहुत कम रेयर, कभी भी थर्मोमीटर से मैंने टेस्टिंग भी नहीं किया था, शायद जिंदगी में मैंने एक ही बार टेस्ट किया था, उसके बाद मैंने खुद का खरीद के किया। तो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।